नमस्कार प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा देश के विभिन्न कोनों से होते हुए प्रयागराज संसदीय क्षेत्र में है और मेरे साथ हैं प्रयागराज संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार नीरज त्रिपाठी जी। सर पहले तो प्रभा साक्षी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं प्रश्नों पर राजनीतिक प्रश्नों पर आऊँ उससे पहले मैं देखना चाहता हूँ कि ये जिस तरह से आप जब जा रहे हैं कार्यक्रमों में तो भीड़ तो उमड़ रही है, आपके घर पर भी समर्थकों का जमावड़ा इतना ज़्यादा है जितना मैंने किसी प्रत्याशी के यहाँ नहीं देखा, पूरे भारतवर्ष की सैर कर रहे हैं हम, कैसे देखते हैं सर इसको? ये आप सभी का, इन सभी का प्यार है और आशीर्वाद है जो मुझे रोज़ मिलता है और मेरे क्षेत्र में निकलने से पहले जी, और ये उनको ध्यान देने की ज़रूरत है जो कहते हैं कि मैं नया हूँ जी, ये उनको ध्यान देने की ज़रूरत है जो कहते हैं कि मैं इलाहाबाद में हूँ वहाँ का काम कैसे करूँगा जी, तो ये वो देखें कि कितना जो है मुझे प्यार मिल रहा है जनता से, कितना आशीर्वाद मिल रहा है मुझे जी। और किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? हालांकि देखें तो लगातार बीजेपी के सांसद यहाँ से रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा क्या लगता है आप अलग कर सकते हैं प्रयागराज के लिए? देखिए विकास तो हमारा मुद्दा है ही है और विकास पे ही हम काम भी कर रहे हैं जी, और मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि हर क्षेत्र की अपनी छोटी छोटी समस्याएँ होती हैं जी, और मैं उन समस्याओं को वहाँ से दूर करने के लिए भी कार्य कर रहा हूँ, काम करूँगा जी। वहाँ छोटी छोटी समस्याएं हैं और मेरी प्राथमिकताएं कुछ हैं जी, सड़कों का निर्माण, पानी की व्यवस्था जी, और औद्योगिक क्षेत्र का विकास जी, ये कुछ मेरी प्राथमिकताएं हैं जी। और ख़ासतौर पे नैनी जो औद्योगिक क्षेत्र है जी जी, तो प्रदूषण की भी एक समस्या है, तमाम तरह की वहाँ के लोगों की समस्या है, यमुना पार की समस्या है, तो आपके पास पूरा रोड मैप है अगले 5 साल मैप बना हुआ है जी, और रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद जल्द से जल्द इन चीज़ों पर काम शुरू करूँगा जी। और अगर देखा जाए तो प्रयागराज में राजनीतिक विरासत की लड़ाई है, आप हैं, आपके मुख्य प्रतिद्वंदी हैं, वो भी राजनीतिक विरासत की लड़ाई लड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं चुनौती को जो विपक्ष, क्योंकि वो भी गठबंधन बना के हैं, आपके पास भी गठबंधन है वैसे तो? देखिए वो बहुत बुजुर्ग हैं, मैं उनके लिए कहना नहीं चाहूँगा कुछ भी जी, परंतु चुनौती कोई नहीं है जी, पिछले 30-40 सालों से वहाँ पर स्थापित हैं, और अगर कुछ दिन पहले मैंने देखा भी होगा तो मैंने अपने एक स्टेटमेंट में कहा भी था जी कि 30-40 साल से वहाँ पर स्थापित होने के बाद वो अपने खुद घर के सामने की सड़क नहीं बनवा पाए तो क्षेत्र का क्या विकास किया होगा जी। आम जनता से आप मिलेंगे जी तो आपको हकीकत पता लगेगी कि वहाँ उन्होंने क्या किया है जी, और मैं अपनी जनता से, जनता जनार्दन से ये वादा करता हूँ जी कि मैं वहाँ बिल्कुल साफ नीयत से विकास करने के इरादे से आया हूँ, और 5 साल में उनको दिखा दूंगा कि अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है जी तो आप क्षेत्र का विकास कैसे कर सकते हैं जी। और आप जब मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं, अपना संकल्प पत्र सामने रख रहे हैं, दूसरी तरफ से न्याय पत्र है, तो मतदाताओं के मन में क्या है, आपको क्या अब तक अनुभूति हुई, क्योंकि प्रचार करते हुए काफ़ी समय हो गया? देखिए मतदाता बहुत जागरूक है जी, और किसी के बहलाने और फुसलाने में अब आता नहीं है जी, वो ये देख रहा है कि धरातल पर क्या काम हुआ है और किसने किया है जी, इसलिए न्याय पत्र से कोई फर्क नहीं पड़ता जी। आज तक आप देख रहे होंगे जितनी भी मीटिंग हो रही है एनडी गठबंधन की जी, उसमें कहीं उन्होंने कोई योजना नहीं बताई है जी कि वो कैसे क्या करेंगे जी, सिर्फ एक टारगेट है, वो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं को अपशब्द कहना जी और उन्हीं के बारे में उल्टा सीधा प्रचार करने के अलावा उनके पास और कोई काम है नहीं जी, और आगे भी वो कुछ कर नहीं पाएंगे जी। और आप चूंकि अधिवक्ता भी हैं तो अधिवक्ता समाज भी यहाँ प्रयागराज में बड़ी संख्या में है, क्या आप उस समाज के लिए करना चाहेंगे, ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो करनी चाहिए एक सांसद के तौर पर? आप देखिए वहाँ भी ज़रूरतें हैं कुछ जी, मैं अधिवक्ता होने के नाते वहाँ जानता हूँ कि क्या क्या समस्याएँ हैं, चेंबर की समस्याएँ हैं जी, पार्किंग की समस्या, लाइब्रेरी की समस्या, मैं ये सब निश्चित तौर पर अधिवक्ताओं से बात करके जी उनका निराकरण करने की कोशिश करूंगा जी। बहुत धन्यवाद आपका, आपकी व्यस्तता हम समझ रहे हैं कि आपके पास और भी अभी कार्यक्रम है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, कैमरामैन राम महाजन के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए प्रयागराज संसदीय क्षेत्र से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।